नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का अपडेट जो है वो क्या है कि यूपी पुलिस में री एग्ज़ाम जो कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे बच्चों का जो सस्पेंस चल रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ने नहीं देती। और वो क्या है कि एडमिट कार्ड, सबसे बड़ी दिक्कत है कि एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, यानी कि कब तक एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ये चिंता सबको खा रही है। फिर एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर जाएंगे, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, किसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कितनी दूर जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर और कब तक एडमिट कार्ड आएंगे और कब आपके एग्ज़ाम सिटी आपको दिखाई जाएंगी। ये तीन सबसे बड़ी चिंताएँ जो हैं तैयारी के साथ साथ जो है आदमी को परेशान करते रहते हैं। तो चलिए हम तीनों पर जो है आपको जवाब लेकर आते हैं। पहले सबसे पहले ये कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो तीन, ठीक है, जो तैयारी भी नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, एडमिट कार्ड कब तक, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, एग्ज़ाम सिटी। तीसरा, ठीक है, कितनी दूर एग्ज़ाम, ठीक है, ये चौथा आपका होम डिस्ट्रिक्ट किसको मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट किसको, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए ज़रूर। तो मैं आपको बताना पा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि 48 लाख आपके फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, पोस्ट जो है वह आपकी 60,244 हैं, ठीक है, और आपको पता है कि एग्ज़ाम जो निर्धारित किया गया है, 23, 24, 25, 30 और 31, यानी कि ये एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है पाँच दिन, दस पाली। तो आपको पता है कि आपका किस तरीके से जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी, इन दोनों की जो डेट है वो क्या है आपकी, 13, 14 और 15, ये अगस्त, ठीक है भाई, ये अगस्त आप याद रखो, यानी कि 13, 14, 15 अगस्त में जो है आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी का पता कर सकते हो, ठीक है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सिटी का पता कर सकते हो। डेट क्या है आपकी, 13, 14 और 15, इन तीन डेटों में एक दिन जो है आपको एग्ज़ाम सिटी पता चलेंगी, ठीक है, अगले दिन जो है आपको जो पता चलने वाला है वो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है, और सभी के एडमिट कार्ड एक साथ नहीं निकलेंगे, डेट बाई डेट आपके एडमिट कार्ड निकलने वाले हैं। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो काफ़ी दूर एग्ज़ाम सिटी बनने वाली हैं आपकी, और आपके एग्ज़ाम सिटी सेट की गई हैं, क्योंकि अभी पहले नहीं बता सकते इस चीज़ को। कहने का मतलब यह है कि आपको लगभग 150 से प्लस, यानी कि 100 से प्लस, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं 100 प्लस से लेकर और 150 किलोमीटर के दायरे में आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको पड़ेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कितनी दूर है, आपको बता दिया 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर अपना देखने को मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट किसको मिलेगा, तो जो होम डिस्ट्रिक्ट किसको मिलेगा, महिला वर्ग को होम डिस्ट्रिक्ट आपका दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये कि महिला वर्ग को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब भी आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉर्नर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर पर आपको दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि 10 पालियों का मतलब है कि प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख, लगभग कितने, 5 लाख प्लस अभ्यर्थियों को जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, और जब एग्ज़ाम कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो है खेल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और अब नॉर्मलाइजेशन के खेल पर मैं आपको एक बता ही देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होगा वो क्या बनेगा। देखिए मैं सबसे पहले बता दूँ, आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, आप अपनी एक्यूरेसी यानी कि सही ज़्यादा करने हैं और गलत कम करने। सपोज दैट कि आपने 150% है, 150 में से आपका स्कोर जो जाता है वो इस तरीके से जाता है कि एक कैंडिडेट 120% करता है और उसके 30 गलत हो जाते हैं, तो 30 के 7.5 और कट जाएंगे, 7.5 आपके, तो कितना रह जाएगा, 12.5% रह जाएंगे, समझ गए नहीं, 112
12.5% यहाँ से आपके रह जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात याद है। अब यहाँ 30 गलत हैं। अब बात करता है दूसरा कैंडिडेट। अब मैं दूसरा बताता हूँ, 150 के एक कैंडिडेट ने 120 सही किए और 10 गलत हुए। कितने गलत हुए? 10 गलत हुए। ठीक है, 120 या ये भी 120। ठीक है, या ऐसा मान के चलिए इन्होंने जो करे वो 115 करे इन्होंने, और यहाँ पर आपके 10 गलत हो गए हैं। तो 10 के जो है कितने, 10 के ढाई नंबर और कम कर लीजिए, ढाई नंबर, तो इनके भी कितने रह चुके हैं, 112.5। तो अब नॉमिनेशन जो है इसे नहीं मिलेगा। नॉमिनेशन किसे मिलेगा? इस कैंडिडेट को मिलेगा। तो ऐसा मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, यानी कि इन्होंने देखो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करे हैं, इनके भी 112% सही हैं और इधर भी 112% सही हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या है, 115 अटैम्प्ट किए थे इन्होंने, जो 10 इन्होंने करे थे 125 अटैम्प्ट करे थे। तो इन्होंने करे 150 अटैम्प्ट पूरे और इन्होंने कितने करे, 125 अटैम्प्ट करे। तो एक्यूरेसी किसकी बढ़िया है? वो एक्यूरेसी नीचे वाले कैंडिडेट की बढ़िया है। तो नॉमिनेशन का फ़ायदा जो मिलेगा वो इस चीज़ को मिलेगा। ये तो होता है स्टूडेंट नॉमिनेशन। एक होता है शिफ्ट नॉमिनेशन। क्या होता है? शिफ्ट नॉमिनेशन होता है। शिफ्ट नॉमिनेशन मतलब एक होती है हार्ड शिफ्ट और एक होती है मॉडरेट शिफ्ट और एक होती है ईजी शिफ्ट। ठीक है, तो दो शिफ्ट हैं, देखते हैं कौन सी हार्ड कौन सी मॉडरेट कौन सी। हार्डेड हो, ईजी हो या मॉडरेट हो, सबको फ़ायदा जो है ऐसे ही स्टूडेंट को मिलता है जो अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर जो है आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सही ज़्यादा करने, गलत कम होने हैं। गलत वही होने हैं जो आपको जानबूझ के हो, क्योंकि जब इतना बड़ा खेल हुआ है तो बहुत बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिल भी जाते हैं। जैसे 2018 वाले में 20-20 अंक आपको मिले थे, 20-20 अंक मिले थे नॉमिनेशन में 2018 वाले, 20-20 यहाँ तक कि 24-24 अंक जो है नॉमिनेशन वालों को मिले थे। ठीक है भाई, तो ये भी बात आपने माइंड में रख लेंगे। एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे नॉमिनेशन वाला भी हम, आप परेशान ना रहें, परंतु आप पहले अपनी तैयारी करिए, अभी से नॉमिनेशन के बारे में मत सोचिए। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होगा जब हम पूरा आंकड़ा बताएंगे आपको किस तरीके से नॉमिनेशन स्कोर बढ़िया होता है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, किस तरीके से पेपर करना है, कितने क्वेश्चन देखने हैं और कैसा पेपर आए तो किस तरीके से